Dear student, I'm Dr. Hena Khan. I will teach you the course of multivariate analysis. Multivariate analysis is an important branch of statistics. Before going to introduction of the multivariate analysis, I would like to explain what is the variable and the object. Now variable. A variable is a characteristic that can be measured एंड दैट कैन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज बेसिकली क्या है वेरिएबल आप उसका नाम देखो वेरिएबल इट मीन्स वेरी कर रहा है क्या चीज करैक्टरिस्टिक्स वो करैक्टरिस्टिक्स जिसे हम मैय कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट वैल्यूज हम अज्यूम कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड देरिएबल ना फॉर एग्जाम्पल हाइट हाइट इज अ वेरिएबल हाइट हम कैसे ले रहे हैं हाइट ऑफ अ ट्री हाइट ऑफ अ प्लांट हाइट ऑफ अ पर्सन हाइट ऑफ अ ट्री कॉन्स्टेंट नहीं है इट वेरीज ठीक है हाइट ऑफ अ पर्सन कॉन्सटेंट नहीं होती वेरी कर रही होती अब जो चीज़ वेरी कर रही है दैट इज कॉल्ड दी वेरिएबल और जिसे हम अज्यूम कर सकते हैं उसके डिफरेंट वैल्यूज हम दे सकते हैं उसको हम मैयर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल एज एज वेरी करती है एज भी कॉन्सटेंट हमारे पास नहीं होती इनकम इनकम हमारे पास भी कॉन्सटेंट नहीं है इनकम भी वेरी कर रही है जो चीज वेरी कर रही है और हम उसे मैयर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड दी वेरिएबल ग्रेड्स ऑपटेन एट स्कूल अब ग्रेड्स आप ऑप्टेंड कर रहे हैं ग्रेड्स को हमने कह दिया कि आप ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल टाइप ऑफ हाउसिंग टाइप ऑफ हाउसिंग हमारे पास क्या हो गया मीडियम हाउस स्मॉल हाउस और लार्ज हाउस टाइप ऑफ हाउसिंग हमारे पास ये भी वेरी कर रहा है इसको हम कह सकते हैं वेरिएबल और फर्दर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं सिंगल बेडरूम हाउस टू बेडरूम हाउस और थ्री बेडरूम हाउस जिसे हम लार्ज हाउस कह रहे हैं ये भी वेरी कर रहा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल हम मैयर कर सकते हैं इसको आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल वेरिएबल मे बी क्लासीफाइड इन टू टू मेन कैटेगरीज अब वेरिएबल को हम टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं फर्दर वो कौन सी टू मेन कैटेगरीज हैं

तो दिस इज कॉल्ड द कैटेगोरिकल वेरिएबल और अगर मैं इसे कह देती एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट जब मैंने परसेंट में बात कर दी तो ये नुमैरिक हो जाना था बट मैंने ग्रेड्स की बात की है इट मीन्स कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर अब हेयर कलर क्या है बेसिकली कैटेगरीज है लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन ब्लैक हेयर वेरी कर रहा है तो दिस इज दैटेगोरिकल वेरिएबल फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर कलर इज़ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल और होम टाउन इज ऑल्सो अ कैटेगोरिकल वेरिएबल होम टाउन में हमने क्या ले लिया जैसे आप लाहौर है रावलपिंडी है पिशावर है फैसलाबाद है तो ये वेरी कर रहा है डिफरेंट होम टाउन हैं जिसको हम नुमरिक वैल्यूज़ नहीं दे रहे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो जाए डायबेटिक्स डायबेटिक्स कौन सी हमने ले ली है डायबेटिक ट्रीटमेंट ए हम ले रहे हैं डायबेटिक हमारे पास ट्रीटमेंट बी आ रही है तो ए डायबेटिक बी डायबेटिक इस ये भी हमारे पास कैटेगरीज आ रही है एंड जेंडर आर ऑल कैटेगोरिकल वेरिएबल जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल जिसको हम कैटेगरिक कैटेगोरिकल वेरिएबल कह रहे हैं और कैटेगोरिकल वेरिएबल बेसिकली हम उसमें क्या कहते हैं एब्सेंट एंड प्रेजेंट्स को मैयर कर सकते हैं यानी उसमें मयरमेंट नहीं हो रही उसमें हम उसकी एबसेंस देख सकते हैं और उसकी प्रेजेंस देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड द कैटेगोरिकल वेरिएबल ना नेक्स्ट इज द नुमैरिक वेरिएबल जिसे हम नुमैरिक वैल्यूज़ कह रहे हैं अ अमेरिक नुमेरिकल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल वेयर द मायमेंट और नंबर हैज अ नुमेरिकल मीनिंग्स अब नुमेरिक वैल्यूज जैसे मैंने आपको हाइट की एग्जांपल दी थी हाइट में क्या आती है हमारे पास नुमैरिक वैल्यू आ रही है फाइव फीट टेन फीट सेवन फीट यानी कि आप इसको नुमैरिक वैल्यू के साथ अज्यूम कर रहे हो दिस इज कॉल्ड द नुमैरिकल वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल टोटल रेन फॉल इन इंचिस टोटल रेन फॉल को हम मैय कर रहे हैं इन in इंचिस में अब टोटल रेनफॉल कितनी हुई टू इंचिस रेनफॉल थ्री इंचिस फोर इंचिस यानी कि इसको हमने नुमैरिक वैल्यू दे दी हुई है नेक्स्ट इज दी हार्ट रेट इज़ अनुमैरिक वैल्यू अब हार्ट रेट में हमारे पास यंग अडल्ट की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है सिक्सटी टू सिक्सटी टू हंड्रेड होती है तो अब सिक्सटी टू हंड्रेड इट मीन्स नॉर्मल हार्ट रेट में हमने उसको नुमेरिक वैल्यू दी है

नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वेरिएबल अब जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी जो हम डिफरेंट मयर्स ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट सच एज द हाइट हाइट हमारे पास वेरिएबल है अब हाइट में ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा एंड द ऑब्जेक्ट कैन बी टू फीट फाइव फीट सिक्स फीट फाइव पॉइंट फाइव फीट ये हमने उसको कैटेगरीज दे दी यानी हमने उसको अलॉट कर दिए डिफरेंट नंबर्स हाइट को हमने डिफरेंट नंबर्स में अलॉट किया दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट एज एज हमारे पास क्या है वेरिएबल एंड एज में फर्दर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है फाइव मंथ टेन मंथ एंड फिफ्टीन मंथ हमने वेरिएबल को वेरिएबल के हमने डिफरेंट जब कैटेगरीज बना दी है तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट इनकम इनकम इज द वेरिएबल और इनकम की फर्दर हमारे पास क्या काइंड्स हैं जिसमें हमने उसको फर्दर डिवाइड किया है टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड एसेट्रा तो इनकम इज वेरिएबल एंड दी कैटेगरीज जो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं फर्दर दैट इज टेन ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड्स में दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट